हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले सेकंड मैच के बारे में। तो दोस्तों बिना समय गवाते डालते हैं वीडियो नज़र। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करें दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड सारी न्यूज अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले सेकेंड टेस्ट मैच में क्या होने वाली है पॉसिबल 11 टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की, दोनों टीमों के बारे में दोस्तों आज नज़र डालेंगे हम। ठीक है, पहला टेस्ट मैच दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से टीम इंडिया जीत गई थी। उसमें रविचंद्रन अश्विन ने दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए एक मैच में 12 विकेट झटके थे। पहली पारी में उन्होंने दोस्तों 5 विकेट झटके थे और वहीं दोस्तों दूसरी पारी में उन्होंने 7 विकेट झटक के दोस्तों एक नए कीर्तिमान के नाम आगे चढ़ गए हैं। दोस्तों वो दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के स्क्वाड की, बात करेंगे दोस्तों प्लेइंग 11 की। पहले दोस्तों डालते हैं नज़र एक बार टीम इंडिया के। दोस्तों कप्तान होने वाले हैं रोहित शर्मा, जो कि कोई चेंजेस नहीं है। भाई उनके साथ ऐसे जसवाल काफ़ी अच्छी पारी खेली थी दोस्तों, वो भी खेलेंगे। भाई शुभम गिल तीसरे नंबर पर, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जयदेव उनादकट गेंदबाजी दोस्तों तेजमेर, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी होने वाले हैं दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11। और दोस्तों बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की। दोस्तों केएन ब्रिथवेट कप्तान होने वाले हैं दोस्तों, चंद्रपाल होने वाले हैं, तेज नारायण, क्रिक मैच के होने दोस्तों, ठीक है, अली का होने वाले हैं दोस्तों, ब्लैक बोर्ड, जोशुआ डी सिल्वा होने वाले दोस्तों, जैसन होल्डर, केविन होने वाले हैं, अल्जारी जोसेफ, केमन रोज, सनन गैब्रियल होने वाले हैं दोस्तों। ये तो रहा दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम का स्क्वाड। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की उस 12 विकेट की पारी से टीम इंडिया ने 141 रनों से और एक पारी से दोस्तों 141 रन और एक पारी से जीत दर्ज की थी। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था उसमें। यशस्वी जायसवाल का भी डेब्यू मैच था, उन्होंने डेब्यू मैच में दोस्तों एक शानदार शतकीय पारी खेल के दोस्तों नया कीर्तिमान बनाया। भाई कप्तान रोहित शर्मा का भी बल्ला चला था, 102 रन उन्होंने भी बनाए थे। दोस्तों क्या लगता है आपको इस मैच में ईशान किशन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि ईशान किशन पिछले मैच में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों रविचंद्रन अश्विन को फिर से भूलना नहीं चाहिए वेस्ट इंडीज़ के लिए। दोस्तों वीडियो कैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों रविचंद्रन को अश्विन को आप एक अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लव यू गाइस।